बिहार पुलिस ने दो अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के कटिहार जिले के कुर्सेला थाना क्षेत्र के मलिनिया रेलवे लाइन के पास कुछ अपराधियों द्वारा कोई बड़ी घटना करने की तैयारी किए जाने की गुप्त सूचना मिलने पर सत्यापन किया गया तो दो व्यक्ति को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। एक का पहचान सोनू कुमार मंडल और दूसरा का पहचान राजेश कुमार के रूप में किया गया, जिसकी पुष्टि कटिहार कनमंडल पुलिस पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने किया है। 24 को कुर्सेला थाना अध्यक्ष को एक सूचना मिलती है कि मलिनिया रेलवे स्टेशन के पास जो है दो तीन चार जो है व्यक्ति जो है हथियार के साथ जो है किसी घटना को अंजाम देने के फिराक में है। सूचना के सत्यापन एवं जांच हेतु जो है वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए जो है तुरंत वह घटनास्थल के लिए निरस्त करते हैं। जब वहां घटनास्थल के पास पहुंचते हैं तो पुलिस की गाड़ी को देख के जो है दो तीन लड़के जो है भागने लगते हैं, जिनमें से एक आदमी के हाथ में हथियार भी था। पुलिस भी उनका पीछा करके जो है दौड़ के पकड़ती है। पकड़ने क्रम में एक आदमी जो पकड़ाते हैं उनके पास से एक हथियार मिलता है, दूसरा व्यक्ति भी जो है उसको पकड़ते हैं, कुछ कारतूस भी उनके पास मिलता है। नाम आया है मूल रूप से दो व्यक्ति हैं, एक सोनू कुमार मंडल और दूसरा राजेश कुमार। पहले भी ये लोग जमीनी विवाद में जो है जेल जा चुके हैं, पहले भी इनके ऊपर जो है केस दर्ज हैं। एक आदमी का और नाम आया है, हम लोग उस बिंदु पर जो है अनुसंधान कर रहे हैं, आगे उनकी भी गिरफ्तारी जल्द हम लोग कर लेंगे।